हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल #StudyVistar2021। और जैसे कि आप जानते हैं, हमने चैप्टर वन स्टार्ट किया हुआ है हमारे मैथ सीक्वेंस एंड सीरीज़ का, दैट इज़ टॉपोलॉजी ऑफ रियल नंबर्स। और इसके भी हम लेक्चर्स काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं, 4 लेक्चर्स हमने डिस्कस कर लिए हैं और आज हम पहुँचे हैं हमारे लेक्चर नंबर 5 में। पहले वाले अगर आपने 4 लेक्चर नहीं देखे हैं तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप उनको देख लें। उनकी जो प्लेलिस्ट है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आप चेक कर सकते हैं, पूरी प्लेलिस्ट है जितने भी वीडियोस अभी तक डाली गई हैं। तो अगर आप सीक्वेंस में देख रहे हैं ना तभी आपको समझ आएगा, वरना आपको बहुत ही कन्फ्यूजन होगी कि ये चीज़ कैसे आई। और जो चीज़ हमने वहाँ पर इतने अच्छे से डिस्कस कर ली है तो आई डोंट थिंक कि हमें बार 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 वही चीज़ डिस्कस करनी चाहिए। तो सीक्वेंस में देखिए, बहुत अच्छे से आपको चीज़ क्लियर होंगी। एंड स्पेशली इससे पहले वाला लेक्चर जो कि हमने किया था, जिसमें नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट एंड इंटीरियर पॉइंट ऑफ अ सेट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो, और बहुत ही ज़्यादा अच्छे से हमने डिस्कस की हैं और काफ़ी एग्जांपल्स लेके भी मैंने बताया है, रियल लाइफ एग्जांपल्स लेके भी। तो दिस इज़ द हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ उसको तो ज़रूर देख लें अगर आपने नहीं देखा है तो। आज हम करेंगे ओपन सेट्स क्या होता है, इसके डेफिनेशन और इससे रिगार्डिंग जितने भी थ्योरम्स हैं एट्सेट्रा सब करेंगे ओपन सेट से रिलेटेड। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं ओपन सेट्स क्या होते हैं। देखो, अब जैसा कि मैंने कहा लेक्चर 4 में हम डिस्कस कर चुके हैं नेबरहुड के बारे में, इंटीरियर पॉइंट के बारे में। तो अब मैं ये मान के चलूंगी कि आपको नेबरहुड आता है, इंटीरियर पॉइंट आता है। अब अ सेट एस विच इज सबसेट ऑफ आर, कोई भी सेट एस है उसको मैं ओपन कब बोलूंगी, अगर वो अपने हर पॉइंट की क्या है, नेबरहुड है। ठीक है, नेबरहुड हमने देखा था। अब कोई भी सेट है वो ओपन कब है, अगर उसके अंदर जितने भी पॉइंट्स है ना वो सब पॉइंट्स की नेबरहुड बन रहा है वो सेट, तो वो हमारा क्या है, ओपन सेट है। अब आपको पता है कि नेबरहुड क्या होती है, जैसे हम नॉर्मल लाइफ में कहते हैं कि मैं किसी मकान को अपना घर कब कहती हूँ, अगर मेरे लिए उस मकान में एक कमरा एग्जिस्ट करता है तो मैं उस मकान को क्या कहूँगी, अपना घर कहूँगी। तो वही चीज़ है, किसी पॉइंट की, किसी सेट को नेबरहुड कब कहेंगे, किसी सेट को उस पॉइंट की नेबरहुड कब कहेंगे, अगर उस पॉइंट के लिए उस सेट में कोई ओपन इंटरवल एग्जिस्ट करता है। तो वही चीज़ है, आप जानते हो कि नेबरहुड कब कहेंगे, अगर किसी पॉइंट के लिए, किसी एप्साइलन ग्रेटर देन जीरो के लिए क्या एग्जिस्ट करता है, एक ओपन इंटरवल, यानी कि पी माइनस एप्साइलन, पी प्लस एप्साइलन, और किस तरह से कि पी उस ओपन इंटरवल के अंदर है और वो ओपन इंटरवल उस सेट एस के अंदर है। ये काफ़ी अच्छे से हमने डिस्कस कर लिया है और हमने रिवाइज भी कर लिया है अभी। तो ओपन का मतलब क्या है, कि अगर खुद को कंटेन करने वाले हर पॉइंट की वो नेबरहुड है तो वो पॉइंट जो सेट है वो क्या है, हमारा ओपन सेट है। तो चलिए एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं, काफ़ी डिटेल में आपको अच्छे से समझ आएगा और भी इसके डेफिनेशन। अब देखो, आपको पता है किसी ओपन इंटरवल का इंटीरियर जब हम निकालते हैं तो वो क्या होता है, ए बी होता है, यानी कि ओपन इंटरवल ए बी अपने हर पॉइंट की क्या है, नेबरहुड है, हमने ये देखा था। लेकिन तो इसका मतलब ये ओपन सेट है, ठीक है ना, ये अपने हर पॉइंट की नेबरहुड है, इसका मतलब ये ओपन सेट है। ठीक है, थोड़ा और क्लैरिटी के लिए एग्जाम्पल 2 में आपको और अच्छे से समझ आएगा। क्लोज इंटरवल, आपको पता है किस किस की नेबरहुड है ये, क्या ये एक ही नेबरहुड है, नहीं, क्योंकि अगर मैं इसके अराउंड एक ओपन इंटरवल बनाती हूँ तो वो प्रॉपरली इसके अंदर कंटेन नहीं है, और सिमिलरली ये बी की भी नेबरहुड नहीं है। तो ये जो इंटरवल है ना, ये सिर्फ ओपन इंटरवल के सारे पॉइंट्स की नेबरहुड है, लेकिन क्लोज इंटरवल ए बी यानी कि खुद के सारे पॉइंट्स की नेबरहुड नहीं है। तो कंडीशन तो पूरी की नहीं इसने, बेशक 2 पॉइंट छोटे हों लेकिन छोटे तो ना, जिसका मतलब ये ओपन सेट नहीं है। अब सिमिलरली आपको पता है हाफ ओपन सेट, हाफ ओपन सेट आपको पता है किसके नेबरहुड होता है, ये ओपन इंटरवल ए बी के सारे पॉइंट्स के नेबरहुड होता है, यानी कि ए पॉइंट छूट गया ना, यानी कि खुद के सारे पॉइंट्स के नेबरहुड नहीं हुआ, सिर्फ ओपन इंटरवल ए बी की हुआ, तो ए पॉइंट रह गया। तो अगर बेशक एक भी पॉइंट रहा हो लेकिन सब की नेबरहुड नहीं है, इसका मतलब हाफ ओपन इंटरवल भी ओपन सेट नहीं होता, या इधर से ओपन हो या इधर से ओपन हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये ओपन सेट ना इस केस में होगा ना इस केस में होगा,
ये है हमारे चार इसकी इलस्ट्रेशंस हैं। फिफ्थ देखिए, फिफ्थ में क्या है, कोई नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट है। अब आपको पता है कोई भी फाइनाइट सेट है, हमने क्या देखा था कि वो किसी भी पॉइंट की नेबरहुड नहीं हो सकती, क्योंकि फाइनाइट सेट है। और किसी पॉइंट के नेबरहुड के लिए हमें क्या चाहिए, उस पॉइंट के अराउंड एक ओपन इंटरवल हमें मिल जाए। अब ओपन इंटरवल में इनफाइनाइट पॉइंट हैं और ये सेट ठहरा फाइनाइट, तो क्या कोई इनफाइनाइट सेट किसी फाइनाइट सेट में बिलोंग कर सकता है? कभी नहीं कर सकता। इसका मतलब जो कोई भी अगर आपको फाइनाइट सेट मिल रहा है ना, तो वो ओपन सेट नहीं है। सिक्स्थ देखिए, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट भी किसी भी पॉइंट की नेबरहुड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए इसमें पॉइंट ही एक है, तो इसकी इसी के लिए चेक कर लो, इसके नेबरहुड क्या बनेगी, इससे थोड़े इधर वाले पॉइंट, इधर वाले पॉइंट, वो ऊपर इंटरवल मिलना चाहिए हमें। यानी कि एक्स के लिए मुझे एक्स माइनस एप्सिलॉन से लेके एक्स प्लस एप्सिलॉन ओपन इंटरवल मिल गया। अब मुझे चेक करना है कि वो एक्स माइनस एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन क्या इस सेट के अंदर कंटेंट है, क्या सिंगलटन सेट एक्स के अंदर वो कंटेन है? हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब जो सिंगलटन एक्स है वो नेबरहुड नहीं है अपने सारे पॉइंट्स की, तो इसका मतलब ये ओपन सेट नहीं है। इसी टाइप से हमने नेचुरल नंबर्स के लिए देखा था कि नेचुरल नंबर भी अपने सारे पॉइंट्स की, या फिर आप कह सकते हो नेबरहुड नहीं है किसी भी पॉइंट की, तो इसका मतलब ये भी ओपन सेट नहीं है। सेट ऑफ इंटीजर्स भी ओपन सेट नहीं है, सेट ऑफ रेशनल्स भी ओपन सेट नहीं है, सेट ऑफ इरेशनल्स भी ओपन सेट नहीं है, सेट ऑफ, देखो इलेवंथ देखिए, रियल्स। रियल अपने हर पॉइंट के नेबरहुड होता है, आपको पता है आर इंटीरियर इज इक्वल टू आर, तो इसका मतलब आर क्या है, एक ओपन सेट है। ट्वेल्थ देखिए, कोई भी एम्प्टी सेट है, उसके को कंटेन्स नो एलिमेंट्स, उसके पास कोई एलिमेंट नहीं है, तो इसका मतलब हम ये मान सकते हैं कि वो अपने हर पॉइंट की नेबरहुड है, क्योंकि हमें कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए कोई पॉइंट मिला ही नहीं। हम ये कह ही नहीं सकते कि इस पॉइंट की नेबरहुड नहीं है, क्योंकि उसके अंदर कोई पॉइंट ही नहीं है, तो इसका मतलब फाई को हम मान के चलते हैं कि ये क्या है, ओपन सेट है। थर्टीन देखिए, आर माइनस एन और आर माइनस जेड, ये हमने देखा था, ये अपने हर पॉइंट की नेबरहुड होते हैं, ये हमने पिछले लेक्चर के अंदर, फोर्थ लेक्चर के अंदर देखा था, सो दे आर ओपन सेट्स, इसलिए हम क्या कहेंगे कि वो क्या हैं, ओपन सेट्स हैं। आर माइनस क्यू नेबरहुड नहीं है अपने सारे पॉइंट्स की, जो है वो ठीक है ओपन सेट है, जो सब पॉइंट की नेबरहुड नहीं है तो उसका मतलब वो ओपन सेट नहीं है, बस यही चीज़ें हैं। सिक्सटीन देखिए, सिक्सटीन में एक सेट दे दिया, वन, वन बाई टू, वन बाई थ्री, वन बाई फोर एंड सो ऑन। अब ध्यान देना इस बात पे, इसमें ये सारे पॉइंट हैं, तो आप किसी भी पॉइंट को उठा लो, क्या ये उसके नेबरहुड बन सकता है? नहीं बन सकता। क्यों? देखो आप क्या करके चल रहे हो, वन पॉइंट को उठा लो, वन पॉइंट के लिए मुझे ओपन इंटरवल बनाना पड़ेगा वन माइनस एप्सिलॉन और वन प्लस एप्सिलॉन। अब इससे इधर वाले तो पॉइंट्स आ जाएंगे, लेकिन ये वाले पॉइंट कहाँ, इसमें कंटेन हुआ ही नहीं ना ये पूरा ओपन इंटरवल, तो इसका मतलब ये सेट किसी भी पॉइंट की नेबरहुड नहीं, सॉरी अपने सारे पॉइंट्स की नेबरहुड नहीं है, तो इसका मतलब ये ओपन सेट नहीं है। 17 देखो ये कुछ रिजल्ट्स भी आप इनको बोल सकते हो कि यूनियन जो है दो ओपन इंटरवल्स की वो एक ओपन सेट होती है। ओपन इंटरवल बोला है इसने, उसकी यूनियन क्या होती है, एक ओपन सेट नहीं होती, सॉरी ये ओपन सेट होती है, ओपन इंटरवल की यूनियन ओपन सेट होती है। देखो ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल है, यूनियन ले लिया, इसको ओपन प्रूव करने के लिए, ओपन सेट प्रूव करने के लिए आप क्या प्रूव करोगे, कोई भी आर्बिट्री एलिमेंट उठा लो और ये प्रूव कर दो कि ये उसकी नेबरहुड बन रही है। तो हमने उठाया था आर्बिट्रेरी, मतलब ये हर पॉइंट की नेबरहुड बन रही है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ओपन सेट हो जाएगा। तो इसका मतलब हमें से कोई भी आर्बिट्रेरी एक्स मैंने उठा लिया, एक्स मैंने इसमें से ले लिया, अब एक्स यूनियन में से है तो या तो एक्स ए बी में से होगा या एक्स सी डी में से होगा। अब अगर वो ए बी में से है तो मैं ऐसा लिख सकती हूँ ना, एक्स बिलोंग्स टू ए बी, ये तो यहीं से है और ये सबसेट है ए बी यूनियन सी डी का, ये तो हमें पता ही है, इसकी और इसकी यूनियन है, ये तो इसमें कंटेंट होगा ही होगा। अब ये डेफिनेशन किसकी है, और ये नेबरहुड की, यानी कि ये इस पॉइंट की नेबरहुड है, कौन ये, तो इसका मतलब ये जो है किसकी नेबरहुड बन गई, एक्स की बन गई।
लेकिन एक्स तो हमने कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट उठाया था, इसका मतलब ये हर पॉइंट की क्या है, नेबरहुड है। इसका मतलब ये जो यूनियन है ओपन इंटरवल्स की, ये क्या है, हमारी क्या है, ओपन सेट है। अच्छा, एक केस हमने डिस्कस कर लिया था, फर्स्टली इफ एक्स बिलोंग्स टू ए बी, उसी तरह से आप सी डी के लिए कर सकते हो कि अगर वो सी डी में है तो हम उसको इस टाइप से लिख सकते हैं। फिर इसका मतलब ये जो है क्या हो जाएगी, नेबरहुड बन जाएगी सारे पॉइंट्स की। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, नेबरहुड हो जाएगी सारे पॉइंट्स की। तो ये बन जाएगा क्या, ओपन सेट। अब देखो, अब हमारे पास कुछ थ्योरम्स हैं, चलिए जी इसी में कवर करते हैं इन सबको भी। पहले क्या है कि यूनियन ऑफ आर्बिट्रेरी फैमिली ऑफ ओपन सेट्स इज एन ओपन सेट। मतलब बहुत सारे ओपन सेट्स ले लिए, उनकी आर्बिट्रेरी फैमिली ले ली, ओपन सेट्स की आर्बिट्रेरी फैमिली ले ली, तो उसकी यूनियन जो है वो क्या होगी, ओपन सेट होगी। अब देखो, आर्बिट्रेरी फैमिली आप जानते हो, आर्बिट्रेरी फैमिली को हम इसी टाइप से डिनोट करते हैं कि उसमें ए लैम्डा टाइप के एलिमेंट हैं जहाँ लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा। ये आपको देखो याद करना पड़ेगा, अगर आपको पता है तो देन इट्स ओके, बट अगर नहीं पता है तो आपको देखो ये चीज़ याद करनी पड़ेगी कि आर्बिट्रेरी फैमिली को हम इस टाइप से डिनोट करते हैं। अब फैमिली किसकी है, ओपन सेट्स की, तो ये जो ए लैम्डा ये सारे क्या होंगे, ओपन सेट होंगे ना। तो ये तो हो गई आर्बिट्रेरी फैमिली ऑफ ओपन सेट्स, बट इसने बोला यूनियन ऑफ आर्बिट्रेरी फैमिली, इस फैमिली की आर्बिट्रेरी जो हमारा आर्बिट्रेरी फैमिली है, इसके जो सेट है उनकी यूनियन, उसको प्रूव करना है कि वो ओपन सेट होगी। तो इसकी यूनियन मान के चलो कि ए इज इक्वल टू यूनियन ऑफ ए लैम्डा। पहले क्या माना कि ये कोई आर्बिट्रेरी फैमिली है ओपन सेट्स की, फिर हमने मान के चले कि ए इज इक्वल टू यूनियन ऑफ ऑल दीज ओपन सेट्स। अब इन शॉर्ट आपको इनकी यूनियन को ओपन सेट प्रूव करना है, इसका मतलब इनकी यूनियन है किसके इक्वल माननी, हमने ए के इक्वल माननी है, तो ए को क्या प्रूव करना है आपको, ओपन सेट। तो टू शो दैट ए इज एन ओपन सेट, तो आपको क्या प्रूव करना है कि ए क्या होगा, एक ओपन सेट होगा। अब देखना ध्यान से, लेट एक्स बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ ए, मान के चलो एक्स कोई भी एलिमेंट है। मैंने आपको अभी बताया था किसी भी सेट को ओपन सेट अगर आपको प्रूव करना है तो उसका कोई भी एलिमेंट उठा लो और ये प्रूव कर दो कि वो उस एलिमेंट की क्या बन रहा है, नेबरहुड बन रहा है। अब एक आर्बिट्रेरी पॉइंट की अगर वो नेबरहुड बन रहा है, इसका मतलब तो हर पॉइंट की नेबरहुड है, और अगर वो हर पॉइंट की नेबरहुड है तो वो क्या बन जाएगा, ओपन सेट बन जाएगा। तो इसका मतलब आपको सिर्फ यही प्रूव करना बाकी है कि एक्स की नेबरहुड बनाएगा कौन, ए। तो देखो, एक्स आपने ए में से लिया है, लेकिन ए किसके इक्वल है, इसके यूनियन इसके बराबर है, तो इसका मतलब x इसमें बिलोंग कर जाएगा। अब ध्यान देना, x इसके यूनियन में है तो किसी ना किसी ए लैम्डा में तो होगा ही होगा ना, फॉर एट लीस्ट वन, किसी ना किसी एक के लिए। तो चीज़ यूनियन में कब आती है, जब किसी एक में तो कम से कम हो वो, तो इसका मतलब किसी ना किसी ए लैम्डा को तो बिलोंग करती ही करती है। बट हर ए लैम्डा क्या है, ओपन सेट है। हर ए लैम्डा ओपन सेट है, इसका मतलब ओपन सेट मतलब क्या, ये अपने हर पॉइंट की नेबरहुड है और ये इसी का पॉइंट तो है। इसका मतलब ए लैम्डा एक्स की क्या है, नेबरहुड है। अब नेबरहुड है तो डेफिनेशन लगा दो। डेफिनेशन कैसे, एक्स बिलोंग्स टू एक्स माइनस एप्साइलन एक्स प्लस एप्साइलन एंड विच इज सबसेट ऑफ, यहाँ क्या लिखते हैं हम, जो नेबरहुड होती है, और नेबरहुड यहाँ पे क्या है, ए लैम्डा। ये मैंने लगा दी क्या, डेफिनेशन। अब एक बात बताओ, यहाँ तक तो आ गया, और ये किसके अंदर कंटेन है, एक छोटा सा एलिमेंट है, ये इस पूरी यूनियन के अंदर तो कंटेन होगा ही होगा ना। तो इसका मतलब ये बिलोंग करता है इसमें, ये कंटेन है इसमें, और ये खुद कंटेन है इसमें, तो फिर ये हटा दो, सीधा आप ये लिख दो कि ये इसके अंदर कंटेन है, ठीक है। तो अब ये डेफिनेशन किसकी होगी, किसकी होगी ये डेफिनेशन, नेबरहुड की। इसका मतलब इसकी नेबरहुड कौन है, ये, और ये क्या था, ए था ना। इसका मतलब कोई भी एक्स एलिमेंट मैंने उठाया और ए उसकी क्या बन गया, नेबरहुड बन गया, लेकिन एक्स तो आर्बिट्रेरी एलिमेंट था, तो इसका मतलब फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए ये क्या बन गया, उसके नेबरहुड बन गया, यानी कि ए इज नेबरहुड ऑफ एक्स। दिस इम्प्लाइज दैट ए इज नेबरहुड ऑफ ऑल ऑफ इट्स पॉइंट्स एंड सो ए इज ओपन सेट। तो एट लास्ट आपने क्या बता दिया कि यूनियन जो है आर्बिट्रेरी फैमिली ऑफ ओपन सेट्स की, वो क्या होती है, एक ओपन सेट होती है। फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले आर्बिट्रेरी फैमिली ऑफ ओपन सेट्स आप क्या मान के चलोगे, सेट ए लैम्डा,
वेयर लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा, हम इसको बोलते हैं, ये आर्बिट्ररी फैमिली ऑफ ओपन सेट्स मैंने मान ली, जहां पे ए लैम्डा क्या होंगे, ओपन सेट होंगे। अब यूनियन को प्रूव करना है, तो इनकी यूनियन को किसी सेट का नाम दे दो, मैंने ए का नाम दे दिया, यानी कि अब आपका काम क्या रहेगा, ए को क्या प्रूव करना, ओपन सेट। ए को ओपन सेट प्रूव करने के लिए आप क्या प्रूव कर दोगे, कि मैंने इसमें से कोई भी एलिमेंट उठाया आर्बिट्ररी, कोई भी, ये उसी के नेबरहुड बन गया, तो इसका मतलब ये हर पॉइंट के नेबरहुड बन जाएगा ना, और फिर क्या बन जाएगा, ओपन सेट। तो बस ये प्रूव कर दो कि इस एक्स की ये क्या बनाता है नेबरहुड। उसके लिए क्या प्रूव करोगे, एक्स इस ए में से लिया था मैंने एक्स, और ए क्या है, इसके बराबर है, तो ए की जगह मैंने ये रख दिया। अब एक्स इसकी यूनियन में है, तो एक्स किसी ना किसी ए लैम्डा में तो होगा ही होगा फॉर एटलीस्ट वन, लेकिन ए लैम्डा है ओपन सेट। ओपन सेट मतलब अपने हर पॉइंट की नेबरहुड, और इसका एक पॉइंट ही तो है ये, तो इसका मतलब ये ए की क्या, एक्स की क्या है, नेबरहुड है। उठा के नेबरहुड की डेफिनेशन लगा दो, एक्स बिलोंग्स टू एक्स माइनस एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन विच इज सबसेट ऑफ ए लैम्डा। ए लैम्डा खुद किसका सबसेट है, इसका, तो ए लैम्डा को उड़ा दो यहाँ से, इसकी जगह सिर्फ यूनियन आप लिख सकते हो, ये तो नॉर्मल सी बात है, लिख सकते हो, इसकी जगह फिर आपने ए कर दिया। अब ये तो डेफिनेशन बन गई ना नेबरहुड वाली, ये चीज़ क्या बताती है आपको, कि ए नेबरहुड है किसकी, एक्स की। तो वही प्रूव करना था कि ए नेबरहुड है एक्स की, दिस इंप्लाइज ए नेबरहुड है सब पॉइंट्स की, तो इसका मतलब ए क्या है, ओपन सेट। तो इससे क्या पता चला कि यूनियन जो है आर्बिट्ररी फैमिली ऑफ ओपन सेट्स की, वो क्या होती है, एक ओपन सेट होती है। अगला देखो, इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स इज एन ओपन सेट। फर्क क्या है, वहां यूनियन था, यहां क्या इंटरसेक्शन है, और दूसरा फर्क क्या है, वहां आर्बिट्ररी फैमिली थी, यहां पे फाइनाइट नंबर है, बस यही फर्क है। ठीक है, एक बात याद रखना हमेशा, आर्बिट्ररी फैमिली को आप इस टाइप से मानोगे, और फाइनाइट आ जाए ना जहां पे आर्बिट्ररी के बजाय फाइनाइट आ जाए, तो उसको इस टाइप से मानोगे, ए लैम्डा जहां पे लैम्डा 1, 2, 3 अप टू एन तक है, वहां पे कैसे मानते थे, ए लैम्डा सच दैट लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा। ये चीज यही बताती है कि आर्बिट्ररी फैमिली है, और यहाँ पे हमने बता दिया कि 1, 2, 3 और n तक हैं, तो ये फाइनाइट है, ये तो नाम दिख भी रहा है हमें, बस यही फर्क है, मानने का फर्क है। अब आपको प्रूव क्या करना है, इसकी इंटरसेक्शन, तो इसकी इंटरसेक्शन को किसी सेट का नाम दे दो, और उस सेट को हमने नाम क्या दे दिया, s। ठीक है, एक चीज़ और याद रखना, यहाँ पे यूनियन लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा आएगा, ये हम देख भी चुके हैं, और यहाँ पे लैम्डा इज इक्वल टू 1 to n आएगा, यहाँ पे मिसप्रिंट है n, लैम्डा इज इक्वल टू 1 to n, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, लैम्डा यहाँ 1 से n में जा रहा है, 1 से n तक जा रहा है, और यहाँ पे लैम्डा लैम्डा में से था, कैपिटल लैम्डा में से था, तो इसमें वही लिखेंगे, नॉर्मल सी बात है। बस अब सिंपल सी बात है, ये ओपन सेट ए प्रूव करना था ना हमें, ऐसे यहाँ पे एस को प्रूव करना है कि वो क्या है, ओपन सेट है। उसके लिए क्या प्रूव करोगे, एस में से कोई एलिमेंट उठा लोगे और ये प्रूव कर दोगे कि एक्स की नेबरहुड बना रहा है कौन, एस, तो इसका मतलब वो क्या बन जाएगा, ओपन सेट बन जाएगा। अब देखो, इंटरसेक्शन में दो केस हो सकते हैं, दो केस क्या हो सकते हैं, कि इंटरसेक्शन या तो एम्प्टी हो, यानी कि कोई भी पॉइंट कॉमन ना हो उनमें, और दूसरा एस नॉन एम्प्टी हो। अगर एस एम्प्टी है, एस इज इक्वल टू फाई, तो फाई तो क्या होता है, एक ओपन सेट होता है, और फाई एस के बराबर है, तो एस भी क्या बन गया, ओपन सेट। ठीक है, तो एस हमारा ओपन सेट बन गया। दूसरा केस देखो, एक्स इज नॉट इक्वल टू फाई, तो ये पिछली बार की तरह करना हमें, कैसे करोगे, एक्स कोई एलिमेंट लेके चलोगे एस से, अब एक्स एस में से है तो इसका मतलब इंटरसेक्शन में से है, इंटरसेक्शन में से है तो इसका मतलब हर किसी ए लैम्डा में है, इंटरसेक्शन में तो फॉर एवरी आएगा ना, और वहां पे एटलीस्ट आता है यूनियन में, इसमें आएगा फॉर ईच, हर किसी के लिए, लेकिन ये किस में बिलोंग कर रहा है, ए लैम्डा में, एल जहाँ पे लैम्डा 1, 2, 3 अप टू एन है, लेकिन ये सारे क्या हैं, ओपन सेट्स हैं, डेफिनेशन में दिया हुआ था ये सारे ओपन सेट्स हैं, तो इसका मतलब ये हर किसी, एक्स जो है हर किसी में बिलोंग करता है इसका, और वो सारे क्या हैं, ओपन सेट हैं, इसका मतलब एक्स की नेबरहुड है सारी की सारी, A1 भी, A2 भी, A3 भी, अप टू An, डेफिनेशन लगा दो, एक्स बिलोंग करेगा एक्स माइनस एप्सिलॉन वन एक्स प्लस एप्सिलॉन वन में, जो कि कंटेन होगा A1 में, फिर A2 की बारी, एक्स बिलोंग करेगा एक्स माइनस एप्सिलॉन टू एक्स प्लस एप्सिलॉन टू में, विच इज कंटेन इन टू A2, एंड अप टू सो ऑन, एक्स बिलोंग्स टू एक्स माइनस एप्सिलॉन एन एक्स प्लस एप्सिलॉन एन विच इज कंटेन इन टू An। ठीक है, ये तो हमने डेफिनेशन लगा दी।
अगला काम देखो, अब ये अलग अलग है सारे, तो इनमें से मैंने छोटे से छोटा मान लिया कि एप्सिलॉन इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ एप्सिलॉन वन, एप्सिलॉन टू, एप्सिलॉन थ्री, अप टू एप्सिलॉन एन। अब ये छोटा है तो x माइनस एप्सिलॉन, x प्लस एप्सिलॉन, ये हर किसी के अंदर कंटेन होगा ना, इन सब में से एप्सिलॉन छोटा है, तो ये जो इंटरवल बन गया ये इससे भी छोटा होगा, इसके अंदर कंटेन होगा, ये इसके अंदर भी कंटेन होगा, ये इसके अंदर भी कंटेन होगा, तो इसका मतलब ये इसके अंदर कंटेन होगा फॉर एवरी लैम्डा बिलोंग्स टू वन टू थ्री अप टू एन। ठीक है, अब ये इसके अंदर बिलोंग कर गया, अब यानी कि इसको बीच में से हटा दो। अब इसको बीच में से हटाने से हमें क्या मिला कि x बिलोंग्स टू x माइनस एप्सिलॉन, x प्लस एप्सिलॉन, एंड x माइनस एप्सिलॉन, x प्लस एप्सिलॉन इज कंटेन्ड इनटू दिस। ठीक है, फॉर ईच, हर किसी के लिए, इसका मतलब मैं फिर इसकी जगह इंटरसेक्शन कर दूंगी, जैसे इंटरसेक्शन से मैं फिर a लैम्डा फॉर ईच आई, तो a लैम्डा फॉर ईच है तो उसे इंटरसेक्शन भी तो लिख सकते हैं, तो वो चीज़ करती, यानी कि इस लाइन से क्या मिल गया जो कि s है, इस लाइन से क्या मिल गया कि x इसमें है और ये सबसेट है s का, तो इसका मतलब s क्या बन गई, नेबरहुड। ठीक है, तो बट ये तो कोई आर्बिट्ररी पॉइंट था, आर्बिट्ररी पॉइंट था तो आप क्या कह सकते हो कि अपने हर पॉइंट की क्या है, नेबरहुड है, इसका मतलब ये क्या है, एक ओपन है सेट। फटाफट से लेट्स टेक अ रिविजन, दो केस हो सकते हैं, या तो s फाई हो या नॉन फाई हो, फाई है तो फाई ओपन सेट है तो ये इसके इक्वल होने की वजह से एस भी ओपन सेट हो गया। दूसरा केस क्या है, एस नॉन एम्प्टी है, नॉन एम्प्टी है तो उसमें से कोई एलिमेंट उठा के चलो, एक्स एस में से है तो, लेकिन एक्स इसके इक्वल था तो इसमें है, अब इंटरसेक्शन में है तो ए लैम्डा में होगा, हर किसी लैम्डा इज इक्वल टू वन टू थ्री अप टू एन के लिए, लेकिन एक्स इसमें फॉर ईच, मतलब एक्स ए वन ए टू ए एन सब में है, ये सब क्या है, ओपन सेट हैं, तो इसका मतलब ये सारे क्या हैं, एक्स की नेबरहुड हैं, तो डेफिनेशन लगा दो, डेफिनेशन लगा दी सबके लिए। फिर हमने देखा कि एप्सिलॉन वन, एप्सिलॉन टू, एप्सिलॉन एन, ये सारे अलग अलग हैं, क्यों ना हम इसको कुछ ना कुछ करके इकट्ठा कर दें, उसके लिए क्या करेंगे, एप्सिलॉन मान के चलेंगे, मिनिमम है एप्सिलॉन वन, एप्सिलॉन टू, एप्सिलॉन एन तक के, सब में से मिनिमम है, अगर छोटा है तो ये इसके अंदर भी कंटेन होगा, इसके अंदर भी कंटेन होगा, अप टू इसके अंदर भी कंटेन होगा। अब ये और ये सारे क्या हैं, सब ए लैम्डा में कंटेन है, हर किसी ए लैम्डा के लिए, ये तो कंटेन ही है ना, ये भी हमने दिखाया था, हर किसी के लिए है तो इसको मैं इंटरसेक्शन में कन्वर्ट कर सकती हूँ। यहाँ से क्या आ गया कि x बिलोंग्स टू x माइनस एप्सिलॉन, x प्लस एप्सिलॉन एंड विच इज सबसेट ऑफ s, यानी कि x के लिए कोई ओपन इंटरवल एग्जिस्ट कर गया जो कि किसके अंदर है, इसके अंदर है, तो इसका मतलब s क्या है, नेबरहुड है किसकी, पॉइंट x की। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया, ये ओपन सेट हो गया। नेक्स्ट देखिए, इंटरसेक्शन ऑफ आर्बिट्ररी फैमिली ऑफ ओपन सेट्स में नॉट बी अ ओपन सेट। आपको एक चीज़ पता है, जहाँ आपको कोई चीज़ प्रूव करनी होती है ना, वहाँ पे आप प्रूव करते हो, लेकिन जहाँ आपको कॉन्ट्राडिक्शन दिखानी होती है वहाँ पर एग्जाम्पल देते हो, यू नो वेरी वेल। ठीक है, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें, अगर आप आगे मास्टर्स करते हो ना मैथ्स में, तो बहुत ज़्यादा काम आने वाली चीज़ें हैं ये, तो प्लीज़ इन चीज़ों को ध्यान से समझना। हमें प्रूव करना है कि इंटरसेक्शन किसकी, आर्बिट्ररी फैमिली ऑफ ओपन सेट्स की, वो क्या होती है, एक ओपन सेट होती है। तो मैं मान के चलूंगी कि ए एन इज इक्वल टू माइनस वन बाय एन, वन बाय एन, ये मैंने मान लिया इंटरवल है। अब यहाँ पे सारे ओपन सेट्स होंगे, ये सारे क्या हैं, ओपन सेट हैं, ये तो दिख भी रहा है हमें, ओपन सेट हैं, ए वन भी, वन मतलब वन रख दिया मैंने, माइनस वन से वन, ए टू भी ओपन सेट होगा, ए थ्री, ए फोर, ए एन, सारे ओपन सेट्स होंगे, लेकिन इनकी इंटरसेक्शन जो है वो क्या होगी, जीरो। इंटरसेक्शन क्या होगी, जीरो होगी। कैसे होगी जीरो, जैसे जैसे एन इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, एन एन नेचुरल नंबर्स में से है, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, तो जैसे जैसे एन इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो ये वैल्यू क्या आएगी, माइनस वन बाय इन्फिनिटी जीरो, वन बाय इन्फिनिटी जीरो, यानी कि इस इंटरवल में सिर्फ जीरो ही पॉइंट रह जाएगा लास्ट वाले एलिमेंट में, लास्ट वाले सेट में। तो इन सब का इंटरसेक्शन लोगे जब आप, तो क्या आएगा, सिंगलटन जीरो ही तो आएगा, है ना, वन से लेकर एन तक के लास्ट, बिल्कुल लास्ट तक, इन्फिनिटी तक, उन सब का इंटरसेक्शन ले रहे हो, यानी कि ऐसा पॉइंट जो सब में कॉमन है, तो वो कॉमन सिर्फ जीरो ही हो सकता है, क्योंकि लास्ट वाले जो सेट है ना उसमें सिर्फ एलिमेंट ही जीरो है, और कोई तो इसके साथ आ ही नहीं सकता, इंटरसेक्शन में सिर्फ और सिर्फ जीरो आएगा। अब एक बात बताओ, जीरो क्या है, ओपन सेट नहीं होता,
जीरो सेट ओपन सेट नहीं होता, तो हमने प्रूव कर दिया कि इंटरसेक्शन जो है आर्बिट्ररी फैमिली ऑफ ओपन सेट्स की, वो ओपन सेट मे नॉट बी, यानी कि हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, हमें सिर्फ कॉन्ट्राडिक्शन वाला एग्जाम्पल देना था, इसने वही किया। लेकिन ये ओपन सेट नहीं होता। ओपन सेट क्यों नहीं होता? क्योंकि इसके लिए मैं कोई ओपन इंटरवल नहीं बना सकती जो कि इसके अंदर कंटेन हो, तो इसका मतलब ये ओपन सेट नहीं। अगला देखो, अगले थ्योरम है कि आपको ये प्रूव करना है कि इंटीरियर जो है किसी सेट का वो क्या होता है, एक ओपन सेट होता है। कैसे करोगे? दो केस लेके चलोगे इसके भी। पहली बात तो ये हो सकता है कि इंटीरियर फाई हो, एम्प्टी हो, और दूसरा क्या हो सकता है कि इंटीरियर फाई ना हो, यानी कि एम्प्टी ना हो। अगर वो एम्प्टी है तो आपको पता है फाई एम्प्टी सेट क्या होता है, ओपन सेट होता है, तो ये इसके बराबर होने की वजह से इंटीरियर भी क्या हो गया, ओपन सेट हो गया। पहला केस खत्म। दूसरा, जब ये फाई नहीं है तो इसमें से कोई एलिमेंट उठाओगे, अब आपको पता है आपको क्या करना है, क्या प्रूव करना है, आपको ये प्रूव करना है कि ए इंटीरियर इस पॉइंट की क्या बना देगा, नेबरहुड। फिर हम बोल देंगे कि लेकिन ये तो कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट था, तो इसका मतलब ये अपने हर पॉइंट की नेबरहुड है, तो इसका मतलब ये ओपन सेट है। तो जब आपने एक्स एलिमेंट मान लिया तो आपको बस अब ये प्रूव करना है कि ये ए इंटीरियर जो है एक्स की क्या बनाता है, नेबरहुड बनाता है। तो चलिए उसके लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे। अब सबसे पहली बात तो एक्स ए इंटीरियर में से है, तो इसका मतलब एक्स इंटीरियर पॉइंट है ए का, ठीक है ना। इंटीरियर पॉइंट, इंटीरियर सेट क्या होता है? ऐसा सेट जो सारे इंटीरियर पॉइंट्स को कंटेन करता है। अब एक्स उसमें से बिलोंग करता है, मतलब एक्स भी कोई ना कोई इंटीरियर पॉइंट है, तो इसका मतलब एक्स इंटीरियर पॉइंट है। अब मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि एक दूसरे के साथ साथ ही चलते हैं, अगर ये इंटीरियर पॉइंट है ना तो ये उसकी क्या होती है, नेबरहुड होती है। तो एक्स इंटीरियर पॉइंट है ए का, तो मतलब ए नेबरहुड है किसकी, एक्स की। अब नेबरहुड वाली डेफिनेशन लगा दो कि कोई एप्साइलन ग्रेटर देन जीरो एग्जिस्ट करेगा, कि एक्स बिलोंग कर जाएगा एक्स माइनस एप्साइलन एक्स प्लस एप्साइलन में, जो कि सबसेट होगा ए का। अब ये चीज हो गई। अब वाई, आप इसका कोई एलिमेंट उठा लो, किसका, एक्स माइनस एप्साइलन एक्स प्लस एप्साइलन में बहुत सारे एलिमेंट हो गए ना, वाई कोई भी उठा लिया आपने, वाई उठाओगे तो वाई बिलोंग्स टू दिस, और ये सबसेट है ही है ए का, तो ए नेबरहुड होगी वाई की भी, एक्स की तो थी ही थी, वाई की भी होगी। इसका मतलब वाई भी अब क्या बन गया, इंटीरियर पॉइंट बन गया। ए इसकी नेबरहुड है तो वाई इंटीरियर पॉइंट बन गया, ठीक है, इंटीरियर पॉइंट बन गया तो ये किसके अंदर कंटेन हो गया, ए इंटीरियर के अंदर। वहां पे यहां से यहां तक पहुंचे थे, यहां पे फिर यहां से यहां पहुंच गए, इंटीरियर सेट से डेफिनेशन पे आया था, यहां डेफिनेशन से इंटीरियर सेट पे पहुंच गए। यहां तक आपने प्रूव कर दिया कि वाई ए इंटीरियर में है। अब दस वाई इसमें बिलोंग करता है, इसका मतलब हमें क्या पता चला कि वाई ए इंटीरियर में से है, यानी कि वाई इसमें है तो अपने आप वो ए इंटीरियर में चला गया, तो इसका मतलब ये इसका सबसेट हो गया ना इंटीरियर का। हम सिर्फ इसको इसमें लेके चले थे, हमें किसी और से कोई मतलब नहीं था, लेकिन लास्ट में हमारे पास एक रिजल्ट आ गया कि वाई ए इंटीरियर के अंदर चला गया अपने आप, तो इसका मतलब ये सबसेट है किसका, ए इंटीरियर का, ठीक है। ये छोटा सेट है, ये बड़ा सेट है, इसमें इसके सारे एलिमेंट तो हैं ही हैं, तभी तो हम इसमें से मान के चले और इसमें अपने आप आ गया, तो इसका मतलब ये सबसेट हो गया किसका, ए इंटीरियर का। अब वही चीज है, एक्स इसमें से बिलोंग करता है और ये इसका सबसेट है, तो इसका मतलब ये क्या बन गई, नेबरहुड बन गई किसकी, एक्स की। दिस इंप्लाइज ए इंटीरियर इज नेबरहुड ऑफ ऑल ऑफ इट्स पॉइंट्स एंड हेंस ए इंटीरियर इज एन ओपन सेट। अब देखो, इंटीरियर ऑफ ए सेट इज द लार्जेस्ट ओपन सबसेट ऑफ ए। एक चीज ध्यान रखना इस थ्योरम के अंदर, ये आपको छोटी सी लाइन में इसने तीन चीज पूछ ली। क्या पूछी? पहली चीज इसने ये पूछी कि द इंटीरियर ऑफ ए सेट इज लार्जेस्ट ओपन सबसेट। तीन चीज, लार्जेस्ट, ओपन और सबसेट। तो पहली चीज आपको क्या प्रूव करनी है कि ए इंटीरियर ए का सबसेट होता है। दूसरी चीज क्या प्रूव करनी है कि वो एक ओपन सेट होता है। और तीसरी चीज क्या प्रूव करनी है कि वो लार्जेस्ट ओपन सेट होता है, ठीक है। अब ए इंटीरियर ओपन होता है, ये तो हमने अभी ऊपर वाली इसमें भी देखा था। एक चीज तो ये यूं का यूं लिखना आपको। दूसरी चीज कि ये क्या है, सबसेट है ए का, ये चीज कैसे प्रूव करोगे? देखो, अब आपको पता है
किसी को किसी का सबसर दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, जिसको सबसर दिखाना है ना बड़े वाले का, तो छोटे वाले में से कोई एलिमेंट लेके चलो और ये दिखा दो कि उस बड़े वाले में वो कंटेन करता है, जैसे इसमें किया था। अगर कोई इसमें से लेके चल रहे हो और वो इसमें चला गया, तो इसका मतलब ये वाला इसका सबसेट हो जाता है। तो आपको भी ये प्रूव करना है कि ए इंटीरियर सबसेट है ए का। तो क्या करना है, आप समझ गए, ए इंटीरियर में से किसी पॉइंट को लेके चलो और ये प्रूव कर दो कि वो किस में है, सेट ए में है। एक्स ए इंटीरियर में से लेके चलो, अगर इसमें है तो इसका मतलब एक्स क्या है, इंटीरियर पॉइंट है। एक्स इंटीरियर पॉइंट है तो ए क्या है, नेबरहुड है। नेबरहुड है तो ये डेफिनेशन लगेगी कि एक्स बिलोंग्स टू एक्स माइनस एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन विच इज सबसेट ऑफ ए, यानी ये इसमें है और ये इसमें है। तो यहां से मैं ये लिख सकती हूँ ना कि एक्स ए में भी है, वही प्रूव करना था। एक्स लिया था इसमें से, ये इंप्लाई कर गया कि एक्स बिलोंग कर गया ए के अंदर, इसका मतलब ए इंटीरियर क्या हो गया, सबसेट हो गया ए का। छोटा सा प्रूफ है इसका। तो ये दूसरी चीज मैंने आपको बताई, इसने सिर्फ लिख दिया कि ऑल्सो दिस इज एन ओपन सेट, लेकिन आपका काम नहीं चलेगा, ऐसे एग्जाम में आपको प्रूव करना पड़ेगा जो हमने पिछली थ्योरम में अभी किया है। तो आप यहाँ पे वो प्रूव करना। अब थर्ड और लास्ट चीज क्या रहेगी, आपको ये प्रूव करना है कि ये क्या है, लार्जेस्ट ओपन सेट है, यानी कि इससे बड़ा कोई और एग्जिस्ट नहीं करता ओपन सेट, ओपन सबसेट। तो आप क्या करोगे, आपको पता है किसी को भी ए इंटीरियर को मुझे बड़े से बड़ा दिखाना, तो क्या करूंगी मैं इसके लिए, कोई दूसरा मान लूंगी और ये प्रूव कर दूंगी कि वो दूसरा है ना कभी भी इससे बड़ा नहीं हो सकता, इसका सबसेट ही रहेगा। तो इसका मतलब ए इंटीरियर बड़ा हो जाएगा ना सबसे। किसी भी सेट को अगर आपको बड़े से बड़ा दिखाना है तो आप क्या करो कि और सेट मान के चलो और ये प्रूव कर दो कि वो सेट हमेशा ए इंटीरियर के अंदर कंटेन होगा, तो ए इंटीरियर अपने आप ही बड़े से बड़ा हो गया ना, वही चीज करेंगे। ए इंटीरियर ओपन सबसेट है, ये तो बात पहले वाली बात है। अब हम सपोज करेंगे कि बी कोई अनदर ओपन सबसेट है का। अब दो केस हैं, या तो ये फाई होगा या फाई नहीं होगा। फाई है तो फाई इज एम्प्टी सेट, तो हर किसी का सबसेट होता है, तो बी ए का सबसेट हो गया, सॉरी ए इंटीरियर का सबसेट हो गया, तो ए इंटीरियर हो गया बड़े से बड़ा, काम खत्म। अब दूसरा केस और देख लो। दूसरा केस क्या कहता है कि जब ये एम्प्टी नहीं है तो एक्स कोई एलिमेंट मान के चलो बी में से। अब बी है क्या ओपन सेट है, तो बी नेबरहुड है एक्स की, तो डेफिनेशन लगा दो कि एक्स बिलोंग्स टू एक्स माइनस एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन विच इज सबसेट ऑफ बी। यहाँ पे पहले आप बी लिखोगे, अच्छा इसने लिखा हुआ ये रहा, एक्स बिलोंग्स टू एक्स माइनस एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन विच इज सबसेट ऑफ बी। क्यों लिखा, बी नेबरहुड एक्स की इसलिए, लेकिन बी सबसेट है ए का। अभी मान के चले ना कि कोई और दूसरा ओपन सबसेट है ए का, तो बी सबसेट है ए का, तो वो चीज अगर बी के अंदर कंटेन है तो ए के अंदर भी अपने आप हो जाएगी। इसका मतलब एक्स बिलोंग्स टू एक्स माइनस एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन, बी की जगह मैंने लिख दिया ए क्योंकि ए बड़े वाला है। ये डेफिनेशन किसकी है, नेबरहुड की तो है, इसका मतलब ए नेबरहुड बन गया किसकी, एक्स पॉइंट की। एक्स क्या बन गया, इसका मतलब इंटीरियर पॉइंट, तो एक्स किस में बिलोंग कर गया, ए इंटीरियर में। लिया था बी में से, चला गया इंटीरियर में, तो इसका मतलब बी क्या हो गया, सबसेट हो गया ए इंटीरियर का। कोई भी दूसरा मैं ओपन सबसेट मान के चली थी और वही ए इंटीरियर का सबसेट बन गया, तो इसका मतलब बड़े से बड़ा कौन है, ए इंटीरियर। तो तीनों चीजें प्रूव कर दी हमने कि दिस इज लार्जेस्ट ओपन एंड सबसेट ऑफ ए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, तीन थ्योरम्स मिक्स्ड हैं इसके अंदर, तो ध्यान से करना इसको। अगली थ्योरम देखिए, अगली थ्योरम में क्या है, इसने बोला ए इंटीरियर इज यूनियन ऑफ ऑल ओपन सबसेट्स ऑफ ए, यानी कि जो ए इंटीरियर सेट होता है ना वो ए के सारे ओपन सबसेट्स की क्या होता है, यूनियन होता है। अब आप मान के चलो जो यूनियन है ना ओपन सबसेट्स की, उसको टी से डिनोट कर लिया मैंने, तो अब प्रूव क्या करना है कि ए इंटीरियर इज इक्वल टू टी, ए इंटीरियर इज इक्वल टू टी, यानी कि इसके बराबर है, मतलब ए इंटीरियर इज यूनियन ऑफ ऑल ओपन सबसेट्स ऑफ ए, मुझे ये प्रूव करना है। तो पहले मैं इस पूरी लाइन को मान के चली कि ये टी है, टी इसको डिनोट करता है। अब ए इंटीरियर एक ओपन सबसेट है तो ए इंटीरियर टी के अंदर कंटेन होगा ही होगा, क्यों,
टी यूनियन है सारे ओपन सबसेट्स की, यानी कि टी में ओपन है सारे के सारे ओपन सबसेट टी के अंदर है, और ए इंटीरियर भी एक ओपन सबसेट है, तो ए इंटीरियर टी में गया ना, ठीक है। अब इसका उल्टा ए इंटीरियर सबसेट ऑफ टी तो दिखा दिया, अब टी सबसेट ऑफ ए इंटीरियर और दिखा दो, काम बन जाएगा। वो कैसे प्रूव करोगे? अब टी इंटीरियर क्या यूनियन है ओपन सबसेट्स ऑफ ए की, ठीक है, ये तो हमने देखा था अभी। दिस इंप्लाइज दैट टी इज ऑल्सो ओपन, अब ये सारे ओपन के यूनियन है तो खुद भी ओपन हुआ ना, अब खुद ओपन हुआ और ए के अंदर कंटेन है, क्यों ए के अंदर कंटेन क्यों है, क्योंकि ये ए के सबसेट्स की यूनियन है, तो ए तो बड़ा सेट होगा ही होगा, इससे टी कंटेन होगा ना ए के अंदर। दो चीजें की, पहला तो मैंने एज इट इज लिख लिया जो हमने माना था कि टी इज यूनियन ऑफ ऑल ओपन सबसेट्स ऑफ ए, दूसरी चीज क्या है टी ओपन सेट है क्योंकि ये सारे ओपन सेट्स की तो यूनियन है तो खुद भी ओपन होगा, और दूसरा ए के सबसेट्स की यूनियन है तो ए से तो छोटा ही होगा ना हमेशा, तो टी इज कंटेन्ड इन ए। लेकिन ए में कंटेन करने वाला सबसे बड़ा सेट तो भी हमने देखा था कौन होता है, ए इंटीरियर होता है, ये इसमें कंटेन करता है ए के अंदर, लेकिन इसमें कंटेन करने वाला बड़े से बड़ा सेट है ए इंटीरियर, तो टी किसके अंदर कंटेन हो गया, ए इंटीरियर के अंदर कंटेन हो गया ना। आई होप आपको ये चीज क्लियर है, पहले मैंने डेफिनेशन लिखी, दूसरा मैंने बताया ओपन सेट है और एक अंदर कंटेन है, लेकिन एक अंदर कंटेन करने वाला बड़े से बड़ा सेट है ए इंटीरियर, ये कोई भी सेट है जो इसके अंदर कंटेन करता है, तो ये हमेशा छोटा ही होगा ना इससे, या इक्वल हो सकता है मैक्सिमम, तो टी इज सबसेट ऑफ ए इंटीरियर, यहाँ से ही इसका सबसेट है, यहाँ से ही इसका सबसेट है, तो दोनों के आगे इक्वल आगे, तो इसका मतलब हमारी थ्योरम हो गई प्रूफ। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट थ्योरम क्या कहती है, द सेट ए इज ओपन, सेट ए ओपन है इफ एंड ओनली इफ ए इंटीरियर इज इक्वल टू, इफ एंड ओनली इफ मतलब आपको पता है, पहले आपको लेके चलोगे आपकी ओपन है, प्रूव करना है कि इंटीरियर ए के बराबर है, फिर आप ये लेके चलोगे कि इंटीरियर ए के बराबर है और आपको ये प्रूव करना है कि ये सेट ओपन है। अब बाद वाला तो बिल्कुल ईजी है, जब आप लेके चलोगे ना कि ए इंटीरियर ए के बराबर है, अब ए इंटीरियर हमें पता ओपन सेट होता है और ये इसके बराबर है, तो ए भी तो क्या हो गया ओपन सेट हो गया, तो प्रूव हो गया कि ये ओपन सेट है। दूसरे में आप ए को ओपन लेके चलोगे, प्रूव करना है कि ए इंटीरियर ए के बराबर होता है, देखो ए इंटीरियर ए का सबसेट होता है, ये चीज तो आपको प्रूव कर चुके हो आप, जो इसके फर्स्ट पार्ट में हमने प्रूव किया था ना, इसके जो ये फर्स्ट पार्ट है यहां से लेके और यहां तक, ए दिस इज सबसेट ऑफ ए, यहां तक आपको करना है ये, तो इसका मतलब वहां से आ गया कि ए इंटीरियर ए का सबसेट होता है। अब दूसरी चीज ध्यान से समझना, ए एक ओपन सेट है जो कि ए के अंदर कंटेन है, खुद में तो कंटेन होगा ही होगा ना, ए एक ऐसा ओपन सेट है जो खुद ए के अंदर कंटेन है, लेकिन ए के अंदर कंटेन करने वाला बड़े से बड़ा ओपन सेट कौन है, ए इंटीरियर, ये कोई भी ओपन सेट है जो इसके अंदर कंटेन करता है, ये बड़े से बड़ा ओपन सेट है जो कंटेन करता है, यानी कि इससे बड़ा कोई ओपन सेट इसमें कंटेन कर ही नहीं सकता, तो इसका मतलब ए इसका सबसेट नहीं हो गया, ये कोई भी ओपन सेट है जो इसमें कंटेन करता है, ये बड़े से बड़ा ओपन सेट है जो इसमें कंटेन करता है, तो ए इज सबसेट ऑफ ए इंटीरियर, ये हमने पीछे से लिया, तो ये दोनों के आगे इक्वल आ गए, ये चीज हमें प्रूव करनी थी। ये देखिए बी को आपको ये प्रूव करना है, इसके इंटीरियर का इंटीरियर ए इंटीरियर होता है, मान के चलो बी इज इक्वल टू ए इंटीरियर, मान के चलो, अब कोई भी इंटीरियर सेट है वो तो क्या होता है ओपन होता है, और ये उसके बराबर है, तो बी भी क्या होता है ओपन हो गया, और ऊपर हमने अभी देखा कि कोई भी सेट अगर ओपन है तो उसका इंटीरियर उसके खुद के बराबर आता है, तो बी इंटीरियर किसके बराबर आ जाएगा, बी के, समझ आया ना इतना। अब बी तो क्या है, इंटीरियर है, तो बी की जगह जहां जहां बी है ना वहां ए इंटीरियर रख दो, तो ए इंटीरियर का इंटीरियर इज इक्वल टू ए इंटीरियर, ये तो बिल्कुल सिंपल है। अब लास्ट है थ्योरम हमारी इस लेक्चर की, क्या कहती है, कोई भी सेट ए ओपन होगा इफ एंड ओनली इफ, इसको हम एक्सप्रेस कर पा रहे हैं एज यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स, ओपन इंटरवल्स की यूनियन की फॉर्म में, तो देखो वही बात है इफ एंड ओनली इफ, एक चीज लेके चलोगे दूसरी प्रूव करोगे, फिर दूसरी लेके चलोगे पहली वाली प्रूव करोगे, आप ये लेके चलो कि हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स में, यानी कि ए को मैं लिख सकती हूं यूनियन ऑफ
ओपन इंटरवल्स, ये मैंने लिख दिया, ये मैंने मान के चल लिया कि ए को मैं इन ओपन इंटरवल्स की यूनियन की फॉर्म में लिख सकती हूँ, माना हमने। प्रूव क्या करना है, अगर ऐसा है तो ये ओपन होगा। देखो ओपन के लिए आपको पता है क्या प्रूव करना है, इसमें से कोई एलिमेंट उठा लो, ये उसकी क्या बना दे, नेबरहुड। तो इसमें से कोई एलिमेंट उठाया तो ये है इसके इक्वल, तो एक्स इसमें चला गया। अब एक्स यूनियन में है तो किसी ना किसी एटलीस्ट वन में तो होगा ही होगा, तो एक्स बिलोंग्स टू ए लैम्डा बी लैम्डा, किसी ना किसी फॉर एटलीस्ट वन। अब एक्स इसमें से है और ये खुद किसके अंदर कंटेन है, ए के अंदर, ये तो इसका एक पार्ट है ना, और ये इसके इक्वल है तो वो ए का सबसेट तो होगा ही होगा, ठीक है। इसमें से एक छोटा सा पार्ट मैंने उठा लिया और ये बड़ा पार्ट ए के बराबर है तो छोटा पार्ट ए का भी तो सबसेट हुआ ना, तो एक्स इसमें है और ये ए का सबसेट है, तो ये तो नेबरहुड की डेफिनेशन होगी कि एक्स के लिए कोई ओपन इंटरवल मिल रहा है हमें जो कि ए के अंदर कंटेन है, तो ए नेबरहुड है ए की, सॉरी एक्स की, तो इसका मतलब ये सबकी नेबरहुड है, तो इसका मतलब ये ओपन सेट है। बस कन्वर्सली हो रहा है, कन्वर्सली में क्या करके चलेंगे आप, ओपन सेट मान के चलेंगे और ये प्रूफ कर देंगे हम उसको यूनियन में लिख सकते हैं। ओपन सेट है और इसमें से अगर मैं कोई एलिमेंट उठा लूँ, एक्स ले लिया मैंने ए में से, अब एक्स ए ओपन सेट है, ओपन मतलब क्या, अपने हर पॉइंट की क्या है, नेबरहुड है, तो एक्स की भी नेबरहुड बन गई, नेबरहुड बन गई तो डेफिनेशन लगा दो, बिल्कुल वही डेफिनेशन है, देखो ये वाली लैम्डा की जगह बस एक्स कर दिया इसने, तो एक्स बिलोंग्स टू ए एक्स बी एक्स विच इज सबसेट ऑफ ए, लिख दिया। चलिए जी आगे चलते हैं, अगर ऐसा लिख दिया तो अब रिजल्ट वन इज ट्रू फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, अब किसी एक की बात नहीं है, ये जो रिजल्ट वन है, ये वाला जो रिजल्ट है ये इसके अंदर कंटेन है, लेकिन ये किसी एक की बात नहीं है, हर यूनियन लूंगी ना मैं इन सारे इंटरवल्स की, ओपन इंटरवल्स की, तो वो भी इसके अंदर कंटेन करना ही करना चाहिए। तो जैसा कि ये रिजल्ट ट्रू है हर किसी के लिए, तो इसका जो यूनियन है वो भी एक के अंदर कंटेन करना चाहिए। अब एक्स था किसमें, ए एक्स बी एक्स में, तो उसकी यूनियन इन सबकी यूनियन में भी होगा ना, तो एक्स बिलोंग्स टू यूनियन एंड यूनियन बिलोंग्स टू ए, एक्स बिलोंग्स टू यूनियन, इतना आप समझ गए आई होप। एक बार यहां से दोबारा बता देती हूं, यहां से हमने इसकी जस्ट डेफिनेशन लगाई थी कि एक्स बिलोंग्स टू ए एक्स बी एक्स एंड ए एक्स बी एक्स इज सबसेट ऑफ ए, इतना आप समझे। अब बस नेक्स्ट स्टेप में बस इसने ये कहा है कि अगर ए एक्स बी एक्स इसके अंदर है तो इनका जो यूनियन होगा ना वो भी ए के अंदर होगा, तो वही मैंने लिख दिया कि इनका जो यूनियन है ना वो भी ए के अंदर होगा। अब x ए एक्स बी एक्स में से है, पीछे देखा था वन से, तो x इसकी यूनियन में भी है, इतना समझ आया। अब रिजल्ट जो थ्री है, दिस इज ट्रू फॉर ईच x बिलोंग्स टू a, ये हर x बिलोंग्स टू a के लिए ट्रू है, यानी कि x में लेके चल रही हूं a में से, x आ गया किस में, इसमें, तो a बिकम सबसेट ऑफ दिस, है ना, a में से लेके चले थे हम और ये लास्ट में कंटेन किस में कर गया, इसमें, तो ए इज सबसेट ऑफ दिस। अब फोर से आ गया ये इसका सबसेट है, टू से आ गया कि ये इसका सबसेट है, तो दोनों इक्वल हो गए ना, तो इसका मतलब ए को मैं एक्सप्रेस कर सकती हूं एज अ यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल। सो जो लास्ट वाला पार्ट एक बार फटाफट से रिविजन ले लेते हैं इसकी, कन्वर्सली वाला पार्ट की, मैंने मान के चलना है कि एक ओपन सेट है। अब कोई भी सेट ओपन सेट कब होता है कि वो अपने हर पॉइंट की क्या हो, नेबरहुड हो। मैंने ए एक्सिस में से कोई पॉइंट एलिमेंट सॉरी पॉइंट उठा लिया तो ये उस पॉइंट की एक्स की भी नेबरहुड होगा। नेबरहुड की फिर डेफिनेशन लगा देंगे, डेफिनेशन क्या कहती है कि एक्स बिलोंग्स टू ए एक्स बी एक्स, सिर्फ लैम्डा की जगह एक्स कर देना एंड विच इज सबसेट ऑफ ए। अब इस ये ओपन इंटरवल इसके अंदर है तो इन सब ओपन इंटरवल्स की यूनियन भी ए के अंदर कंटेन होगी, इसको यहीं छोड़ दो। अब दूसरी चीज, एक्स इसमें थी ओपन इंटरवल में तो इसके यूनियन में तो होगी ही होगी, यूनियन बड़ा सेट है उसमें होगी ही होगी। अब एक्स लेके चले थे ए में से, एक्स आ गया इसमें, तो ए सबसेट हो गया ना इसका, ए इज सबसेट ऑफ दिस, यहां से ए इसका सबसेट है, यहां से ये ए का सबसेट है, तो ये दोनों से ये दोनों इक्वल आ गए, तो इसका मतलब ए कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स, ठीक है। तो क्लोज सेट्स जो हैं ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप यू लाइक्ड एंड अंडरस्टूड। सो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना चैनल को। सो कीप लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।